So this is chapter 4, second standard, and this is first chapter of EVS. The name of the chapter is My Body. तो इस चैप्टर में हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो शरीर है वो कैसा है. स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, डू यू नो अबाउट योर बॉडी? क्या आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो? नो का मतलब होता है जानना. अबाउट योर बॉडी मैंने अपने शरीर के बारे में, आप जानते हो? डू यू नो अबाउट योर बॉडी? इट वर्क्स लाइक अ मशीन. ये मशीन की तरह काम करती है. हमारा जो शरीर है वो भी एक मशीन है. इट हैज़ वेरियस पार्ट्स. इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू आवर वर्क. जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो हमारी मदद करते हैं टू डू आवर वर्क. हमारा काम करने के लिए हमें काम करने में मदद करते हैं जो पार्ट्स हैं. Every part of our body is known as organs. जो अलग अलग part हैं body के, उनको हम organs बोलते हैं. जैसे organ कौन कौन से हैं? Eyes हैं, ears हैं, nose है, वगैरह वगैरह. ये organs हैं, ये parts हैं body के, और इनको हम organs बोलते हैं. Each organ of our body performs a job called its function. जो हर एक organ है वो एक काम करता है जिसको हम function बोलते हैं. उसकी जो जॉब है, हर ऑर्गन की जो जॉब है वो क्या है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं. फंक्शन, ओके. जैसे आईज का फंक्शन है, आई की जॉब है देखना, टू सी. एयर का टू हेयर. तो इस तरह सबकी अलग अलग जॉब्स हैं. सभी ऑर्गन्स की अलग अलग फंक्शंस हैं और जॉब्स हैं. आवर बॉडी इज सिमिलर टू अ मशीन. हमारी जो बॉडी है ये मशीन की तरह है. इफ आर बॉडी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इट वर्क्स लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी मशीन की तरह काम करती है. इट वर्क्स लाइक अ मशीन. तो हमारी बॉडी मशीन की तरह है. इफ आर बॉडी लूजेज एनी ऑफ इट्स पार्ट, इसका कोई एक पार्ट भी अगर टूट जाता है, लूज हो जाता है, इससे अलग हो जाता है बॉडी से, इट विल बी अनेबल टू वर्क प्रॉपरली लाइक अ मशीन. तो मशीन की तरह ये काम नहीं कर सकती. जैसे मशीन का कोई भी पुर्जा जो है वो खराब हो जाए तो मशीन अच्छी तरह काम नहीं ना कर सकती. उस तरह हमारी बॉडी भी नहीं काम कर सकती. अगर जैसे मान लो बाजू कट जाए या लेग कट जाए या आंखों में रोशनी कम हो जाए, वी आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली सपोज, तो देन अवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू डू वर्क प्रॉपरली. हमारी बॉडी अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगी. द बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो बॉडी पार्ट्स हम देखते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जैसे हेड, फेस, नोज, आईज, माउथ, ईयर, लेग्स, हैंड्स, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. वी कैन रन, राइड एंड वॉक विद अवर एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स. हम एक्सटर्नल ऑर्गन से रन भी कर सकते हैं, राइड भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन से. We can see the movement of our external body parts. जो external body parts हैं जब वो चलते हैं, कोई movement करते हैं, जैसे मान लो legs चलती हैं तो हमें दिखाई देता है ना. We can see, हम देख सकते हैं उनकी movement को. Our nose is our personal air conditioning system. Nose जो है वो air conditioning system है. जैसे एक एयर कंडीशन काम करता है, ताजी हवा देता है, ठंडी हवा देता है, उस तरह हमारा नोज भी करता है. कैसे भला? इट वॉर्म्स कोल्ड एयर. जो भी ठंडी हवा है उसको वॉर्म कर देता है और कूल्स हॉट एयर. और जो हॉट एयर है उसको थोड़ी सी ठंडी कर देता है, कूल कर देता है. एंड फिल्टर्स इम्प्योरिटीज. और जितनी भी हवा में इम्प्योरिटीज है, मान लो जब हम सांस लेते हैं तो नोज में स्मॉल हेयर होते हैं जो कि उस एयर को, जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो भी सांस हम अंदर लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं. और वो जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, मान लो हवा में जो हम सांस लेते हैं, अगर मान लो उसमें कोई इम्प्योरिटीज है, मिट्टी के कण हैं,
तो वो अंदर नहीं जाने देते। नोज के बाल जो हैं वो जो मिट्टी के कण होते हैं उनको अपने साथ में पकड़ लेते हैं। सम पार्ट्स इन अवर बॉडी डू नॉट हैव बोन्स, कई पार्ट ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिनमें बोन्स नहीं होती, कई पार्ट हैं जिनमें बोन्स ही नहीं होती। जैसे लेग में तो बोन है ना, आर्म में भी बोन है, लेकिन कई पार्ट हैं जिनमें बोन नहीं होती, जैसे टंग, हमारी जो जुबान है उसमें बोन नहीं है, और आईलिड्स, जो आईलिड्स हैं उनमें भी बोन नहीं है। तो ये पार्ट्स हैं जिनमें बोन्स नहीं होती।